हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एडी क्रिएशन। आज हम स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने स्लीव्स की कटिंग की हुई है। स्लीव की लेंथ हम 15 इंच रेडी रखेंगे, इसलिए मैंने इसमें 12 इंचेस का ऊपर का पार्ट रखा है और 1 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई का मार्जिन, और यहाँ पर भी मैंने एक्स्ट्रा रखा है। ये करीब 7.5 इंच एक्स्ट्रा है। इसके आगे वाला डिज़ाइन हम 3 इंचेस रेडी रखेंगे, तो वो 15 इंचेस हो जाएगा। और यहाँ से हम बिल्कुल, देखिए मैंने बिल्कुल सीधी पेस्टिंग ली है 3 इंचेस की। यहाँ पर हम एक बार काट लेंगे, ये सेंटर है हमारा। पहले 2 पार्ट्स ले लेंगे। देखिए अब हम 1.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और इसको थोड़ी गोलाई की शेप देंगे। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा दे सकते हैं। और पीछे वाला मैंने ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लिया है, देखें ये उतना ही है। और इसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। 7 इंचेस एक्स्ट्रा है ये 1.5 इंचेस से। देखिए हमने ये शेप दे दी है, अब हम दूसरे पर भी ऐसी शेप देंगे। इसको इसके ऊपर रख कर अब हम इन्हें कपड़े पर प्रेस कर लेंगे। देखिए मैंने इनको प्रेस कर लिया है। अब हम नीचे कोई पकौड़ा लगा कर, देखिए इसको कपड़े के ऊपर रख कर, और इसके साइडों में इस तरफ वाला तो हमें खुला ही छोड़ना है, और हम गोलाई की तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए हम इधर से सिलाई लगाते हुए इसकी सिलाई पूरी करेंगे। देखिए मैंने गोलाई की तरफ इधर से और इधर सिलाई लगा ली। अभी इसको फोल्ड कर लेंगे। और अब हम जहाँ पर हमारी पेस्टिंग ख़त्म है, हम वहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह हम अपना दूसरा पार्ट तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने इस पर 1.5 इंच का निशान लगा दिया है, और इसको मैं इस किनारे से इस किनारे तक इनका 1.5 इंच की पेन निशान सिलाई लगा दूँगी, बस इसको जॉइंट रखने के लिए थोड़ा सा ही टाका लगाना है। अब हम इनका सेंटर करेंगे और हम यहाँ से अपने बाजू पर अटैच कर देंगे। पहले हम पाइपिंग बना लेते हैं। अब हम और एक कपड़ा लेंगे, देखिए चौरस कपड़ा है, इसको हम एक बार ऐसे कर देंगे। और इसको ऐसे टेढ़े तिरछे में निकाल लेंगे। ये हमारा और एक पट्टी निकल आएगी। अब इसी तरह मैं यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच के करीब पट्टी निकाल लूँगी। एक और पट्टी निकाल लेंगे। देखिए
देखिए ये और पट्टी है, वरना सीधी हम निकालते तो वो सीधी पट्टी होती है। ये अच्छे से मुड़ जाती है और डोरी लगने के बाद अच्छी वो होती है, इससे फिनिशिंग। देखिए हम इस तरफ से अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पर स्टिच देंगे। मैंने सिंगल फुट लगा लिया है मशीन में। देखें ये मैंने एक तरफ से डोरी डालकर पाइपिंग बना ली है। अब हम दूसरी तरफ से यहाँ पर हम इतना मार्जिन रखेंगे कि हमारा नीचे कवर हो जाए और बाकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें इसी को इसी तरीके से मशीन के पैर के नीचे रखना और इतना ही मार्जिन रखना है जितना हमें छोड़ना होता है। यहाँ पर हम एक स्टिच दे देंगे। देखिए मैंने स्टिच लगा दिया। अब हमारा जो ये फालतू का मार्जिन है अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए हमारी ये डोरी तैयार हो जाएगी, पाइपिंग तैयार हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने पहले स्टिच लगा दी थी पर मैं अब स्टिच को खोल दूँगी। देखिए हम ये किनारे की तरफ से लगाते हुए इसको अंदर रखते हुए और सेम धागा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों की डिज़ाइन पर लगा ली है और अब हम इसे वैसे ही पहले की तरह अटैच कर देंगे, सिर्फ ऊपर की सिलाई देंगे। अभी हमारा इसका काम बाकी है, रफ स्टिच देंगे हम। देखिए मैंने डोरी बना ली है। यह हम आम जो सूटों पे डोरी लगाते हैं वैसे हम बना सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम इसको छोटी सी यहाँ पे गांठ लगाएंगे। ये देखिए मैंने गांठ लगा दी है। हम इतने इतने इसको कटिंग कर लेंगे। हम ऐसे ही दो तीन मतलब छः सात तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने 8 तैयार कर लिए हैं। अगर आपका जितना यूज़ होता हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर लगाते हुए सिलाई पूरी करूँगी, यहाँ पर स्टिच दूँगी मैं। आप यहाँ पर स्टिच सिंगल फुट से दें उससे सही फिनिशिंग आएगी। देखिए ये रेडी है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको बाजू से अटैच करेंगे। देखिए हम कट से कट मिलाते हुए इसका सेंटर कर लेंगे। बाजू के सेंटर से हमें इसका सेंटर मिला के सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने स्टिच दे दी। हम ऊपर वाली स्टिच देंगे। देखिए मैंने टॉप स्टिच दे दी है, मैंने इसको इंटरलॉक भी कर लिया है। हम इसको बाजू वाले स्टिच देंगे। यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा के और इसको सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।